राजनगर में 45 प्लस के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए CDPO दुर्गेश नंदिनी द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी के तहत ग्रामीणों से मिलकर सभी भ्रांतियों को दूर कर उन्हें वैक्सीन लेने की अपील की गई। सरायकेला के राजनगर प्रखंड के बांदू पंचायत में लोगों के बीच CDPO दुर्गेश नंदिनी ने कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। वहीं इस संबंध में CDPO ने बताया कि आज बांदू पंचायत में ग्रामीणों के बीच कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। CDPO ने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीन लेने के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लोगों से मेरी अपील है कि कोरोना वैक्सीन अवश्य ले और कोरोना को हराए और कोरोना मुक्त देश बनाए। जमशेदपुर से शिव शंकर शाह की रिपोर्ट। आज हम लोग डोर टू डोर अवेयरनेस कर रहे हैं ग्रामीणों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर के, क्योंकि जो एक इन लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में एक भ्रम था कि वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा हम लोगों को बुखार आ रहा है या जो भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोगों को भी हम लोगों ने समझाया और बहुत सारे लोग वैक्सीन जाके लिए भी हैं अभी। तो हम लोगों का यही ध्येय है, यही हम लोगों का सबसे बड़ा एक चुनौती है कि सभी लोग जो 18 से 44 है और 45 प्लस है, सभी लोग जा कर के वैक्सीनेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लें, ताकि कोरोना को हम लोग हरा सके, कोरोना को मात दे सके और कोरोना से बचाव हो सके। तो ग्रामीण परिवेश में, चूँकि आज हम लोग यहाँ पे डोर टू डोर सभी जगह जा करके और सभी लोगों को आज हम लोग समझा रहे हैं और ये कार्य अनवरत चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिल रहा है कि लोग जा करके और वैक्सीन ले रहे हैं और वैक्सीन के इस कार्यक्रम को सक्सेस भी बना रहे हैं। तो आज सभी लोगों, हम लोग आज यहाँ पे इस बांदू गांव में आए हुए हैं अवेयरनेस के लिए।